एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास बाय सौरभ सरदाना। सो वी हैव कंप्लीटेड द थ्री चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। द चैप्टर विच इज going to be discussed today, that is moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. तो moving charges and magnetism क्या है, इसका कुछ introduction कर लेते हैं। सबसे पहले In 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted demonstrated that both electricity and magnetism are intimately related to each other. जो साइंटिस्ट था, दैट इज ओस्टर्ड, हैंस ओस्टर्ड, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। 1820 से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और मैग्नेटिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। लेकिन 1820 में क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ये बताया कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आफ्टर हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेटेड that magnetic effect due to electricity, electric current, connection between electricity and magnetism. तो कैसे उसने प्रूव किया, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना दिया। उसका एक एक्सपेरिमेंट था, दैट वॉज ओर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अबाउट कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने इसको प्रूव किया था। ओके, एंड इंडिपेंडेंट फ्राडे बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट वर डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिपेंडेंटली बाय फ्राडे एंड जोसेफ हेनरी। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ सर्किट आइदर बाय चेंजिंग करंट और मूविंग अ मैग्नेट। अब फ्राडे के भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। फ्राडे और हेनरी भी थे। देखो, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे बन सकता है। फ्राडे, हेनरी और मैक्सवेल ने आगे जाके ये बताया था कि मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। क्रिश्चियन ने क्या बताया ओस्टर्ड ने कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे बन सकता है। फ्राडे, हेनरी, मैक्सवेल ने क्या बताया कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है। तो इट मीन्स दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं अभी ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे ओस्टर्ड ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म बन सकता है। ओके, तो उसने क्या लिया, एक वायर ली और वायर के साथ में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा दी। यहाँ स्विच था, स्विच अभी ऑफ था, ये वायर ए बी है। ओके, और इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी टेबल, जिस टेबल पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये बाय चांस हुआ था एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना। तो ये एक मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल। ओके, दिस इज द वायर, बैटरी, रेजिस्टेंस। तो क्या था कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसने इस वायर में पास की, स्विच को ऑन किया, तो क्या देखा कि उसके पास पड़ी हुई जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन देने लगती है। ये एज इट इज़ ऐसे पड़ी थी, जैसे इसमें से करंट पास हुआ ये डिफ्लेक्शन देने लगी कुछ। ओके, और करंट ऑफ करते ही वापस जीरो, करंट पास करते ही डिफ्लेक्शन। और मैग्नेटिक नीडल की एक खास बात होती है कि ये सिर्फ तभी डिफ्लेक्शन देती है जब एक मैग्नेट के पास पड़ी हो। मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्शन देती है जब किसके पास हो, एक मैग्नेट के पास। इसका क्या मतलब है कि जो मैग्नेट, जो ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है,
वो करंट पास करने से कर रही थी। इसका मतलब जब इस वायर में करंट पास होता था, जैसे स्विच को ऑन करते हैं करंट पास होता था, ये डिफ्लेक्शन देने लगती थी। इसका मतलब करंट पास होते ही ये वायर जो है एक मैग्नेट बन जाती थी, ये मैग्नेटिज्म का फोर्स इसके ऊपर लगता था जिसकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट करती थी। तो जैसे इसमें स्विच ऑफ करते थे नीडल वापस, इसका मतलब स्विच ऑफ करते करंट ऑफ हो गया, करंट ऑफ का मतलब मैग्नेटिज्म अब नहीं रहा। इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई थी कि जैसे इस वायर में करंट हम पास करते हैं इट बिकम्स अ मैग्नेट, और जब ये एक मैग्नेट बनती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इसका मैग्नेटिज्म बन जाता है, मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स यहाँ से क्लियर हुआ था कि करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो करंट कैरिंग एक वायर होती है दैट बिहेव्स अ मैग्नेट, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन गया। इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रूव हो गया, क्या बन गया, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रूव करना, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव एज अ मैग्नेट। ये ऑस्टेड सॉरी सो दिस वाज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके तो द स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट। चाहे तो आपके पास एक मैग्नेट पड़ी है, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, एक पोल नॉर्थ होता है एक पोल साउथ होता है, चाहे आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैं बैटरी वगैरह नहीं दिखा रहा, एरो लगाने का मतलब यही है कि इसमें करंट चल रहा है, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली मैग्नेट है, ये नेचुरल मैग्नेट है। किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, मतलब मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इस मैग्नेट के अराउंड जहाँ तक वो मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये एक मैग्नेट का ये स्पेस है मैग्नेट के अराउंड, जहाँ तक आप कोई भी चीज़ रखो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट रखें, अगर बाहर इससे रखो मान लो यहाँ रख दिया तो मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, इसका मतलब मैग्नेट की रेंज से बाहर है। तो जहाँ तक मैग्नेट अपनी रेंज है मैग्नेट की, मतलब मैग्नेट जहाँ तक अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, दैट स्पेस अराउंड द मैग्नेट दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंंग कंडक्टर, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट के अराउंड या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो स्पेस इन विच जिसमें इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट का जो इफेक्ट है, मैग्नेट का फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो ये एक मैग्नेट के अराउंड भी हो सकता है, एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर बिहेव एज अ मैग्नेट। नाउ जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना लग रहा है एक मैग्नेट का, तो उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको बी सिंबल से डिफाइन करेंगे, सॉरी रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी ऊपर वेक्टर, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ओके तो नाउ हम चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे, टॉपिक क्या हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे इधर लगा हुआ है, पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है इधर, चार्ज पार्टिकल क्यू है
वी वेलोसिटी से चल रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ही, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पे ये ट्रेवल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है और किधर चार्ज पार्टिकल जरा मान लो ये हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल है ये काउंट हो जाएगा। कितना भी एंगल है उससे साइन की वैल्यू देख के, तो अगर वैल्यूज हमें पता होंगे तो वी कैन कैलकुलेट दी फोर्स, वी कैन कैलकुलेट दी फोर्स। तो इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्यू बाहर रहेगा, ए बी साइन थीटा क्या होता था, वी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बन जाता था। सो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वट इज वी, दैट इज वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी वेक्टर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, एफ एम इज द वेक्टर फोर्स, फोर्स वेक्टर इट मीन्स फोर्स के मैग्नेट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे शो होगी। सो दिस इज द इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी होगी फिर। तो हम डायरेक्शन जो हम निकालेंगे यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, दैट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे आपने लेना है, तो एक स्क्रू आपने लेना जो पेच होता है, ठीक है। तो पेच को आपने, या फिर पेच ले लो, या तो अपना राइट हैंड को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, थंब और ये फिंगर्स ऐसे, ओके एक जैसी। तो आपने थंब को कहाँ रखना है, पहले तो आपने अपनी फिंगर्स वी से बी की डायरेक्शन में रोटेट करवानी है थ्रू स्मॉलर एंगल, फिस्ट बनानी है, मतलब मुट्ठी बंद करनी है, और वी से बी की डायरेक्शन में रोटेट करवानी है थ्रू स्मॉलर एंगल। अब वी से बी हम इधर से भी आ सकते हैं, वी से भी हम इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन इधर स्मॉलर एंगल, इधर लार्जर एंगल, बड़ा एंगल है। स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन से आपने अपने राइट हैंड को यहाँ रखा, वी से बी की डायरेक्शन में रोटेट करवाना ताकि मुट्ठी बंद हो, ठीक है, वी से बी की डायरेक्शन में। तो आपका थंब अब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है आपका थंब इनवर्ड जा रहा है, अब दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब इसमें फोर्स जो है वो इनवर्ड लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। क्या करना है आपने कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपने फिंगर्स राइट हैंड की ऐसे स्क्रॉल करनी है कि फिस्ट बने, मुट्ठी बंद हो, तो आपका थंब उस टाइम जिस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर रखना है थंब इसे, तो जिस डायरेक्शन में थंब आपका इशारा कर रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बनेगी। तो इसका मतलब फोर्स इसमें कहाँ है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड, लेकिन एक केस में है ये। तो अगर इसमें, अगर इसमें चार्ज पॉजिटिव है तो ये रूल लग जाएगा इससे कि वी परपेंडिकुलर इनवर्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस रूल से आप जो डायरेक्शन निकालते हो उससे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की बनेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इनवर्ड है ये, और अगर नेगेटिव चार्ज इसी से डायरेक्शन निकाले इनवर्ड, तो उसका आंसर अपोजिट आएगा, इट मीन्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अलग अलग केसेस हैं कि कब कितना एंगल होगा। फर्स्ट केस हम स्पेशल केस ले रहे हैं, फर्स्ट स्पेशल केस इज इफ चार्ज इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मतलब मूविंग वी इज पैरेलल टू वी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही चार्ज जा रहा हो तो थीटा जीरो हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा को जीरो पुट करो, इफ थीटा इज जीरो, अगर इसमें पुट कर दें हम थीटा जीरो, साइन जीरो, जीरो होता है तो फोर्स जीरो लगेगी। इट मीन्स अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है दैट मीन्स नो फोर्स विल बी एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ओके। सेकेंड केस, इफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पर्टिकुलर ऐसे जा रहा हूँ 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है? थीटा होता है 90 डिग्री। सो साइन 91, साइन 90 इज 1, तो एफ इज इक्वल टू दैट इज क्यू वी बी। तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। इट मीन्स अगर आप एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम फोर्स लगाना चाहते हो, तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो, देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स उस केस में लगेगी। ओके, नाउ थर्ड केस, इफ थीटा इज 180, 180 का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल उससे अपोजिट चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया तो चार्ज पार्टिकल उससे अपोजिट चल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। थीटा 180 हो तो साइन 180 फिर से जीरो होता है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। तो अगर पैरेलल चल रहा हो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे एंटी पैरेलल चल रहा हो, इट मीन्स फोर्स विल बी जीरो, कोई फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या पैरेलल एंटी पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ केस इसका आता है, इफ वी जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जीरो है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, मूव ही नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो पुट करके देखो, वी जीरो हो तो फोर्स भी जीरो, इसका मतलब फोर्स फिर नहीं लगेगी अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। तो दीज आर द सम ऑफ द केसेस, स्पेशल केसेस अबाउट दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और हम बात कर लेते हैं जो बी है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एस आई यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है, और टी से हम इसको लिखते हैं। एस आई यूनिट क्या होती है? टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स की तो न्यूटन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, और उसको हम कैपिटल टी सिंबल से डिनोट करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर फोर्थ ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। सो टू और थ्री टॉपिक्स वी हैव कवर टूडे, होस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स विद स्पेशल केसेज, एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टूडेज टॉपिक। प्रिपेयर नोट्स, वी विल कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।